हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 2.5 चैप्टर बहुपद से, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका फोर्थ पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप ये देखें कि स्टार्टिंग में ये क्या लिखा हुआ है, 64a³। तो बच्चों, आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है, ऐसे ही 5 का क्यूब 125 या 10 तक के क्यूब तक आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, 64, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 4 का क्यूब, साथ में a क्यूब भी लिख दिया हमने, माइनस अब ये क्या है, 27। तो देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो 27 की जगह हम लिख लेते हैं 3 का क्यूब, और साथ में हमारे पास क्या है, बी क्यूब है। क्लियर हो गया, बाकियों को आप उतार दो ऐसे, माइनस 144a² b प्लस 108ab² बाकियों को उतार दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये देखो ये हमारे पास 4 है, a है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a का होल क्यूब, यह 3 है, b है, तो ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब, और बाकियों को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां तक सॉल्व हो गया। अब जो फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है वो फॉर्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो आपके सामने ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसको पहले बिल्कुल इस रूप में लाना है। तो जैसे ही इस पूरे को इस रूप में हम लिख देंगे, तो हमारे लिए इस पूरे को ऐसे लिखना पॉसिबल है, इस तरीके से लिखना पॉसिबल है। तो जरा दोनों को कंपेयर करो एक बार। तो देखो यहाँ a क्यूब है और यहाँ है 4a का क्यूब, तो a किसके बराबर हो गया फिर, 4a, माइनस का माइनस है। यहाँ है b क्यूब और यहाँ है 3b का क्यूब, तो b किसके बराबर हो गया फिर, 3b के। इनका यूज़ करेंगे हम आगे अभी। तो ये दोनों तो एक जैसे दिख हो गए, हमने स्टार्टिंग में इन दोनों को एक जैसा दिखा दिया। माइनस के बाद ये देखो ये क्या लिखा है, 3a² b, तो ये इसको भी हमें ऐसे ही दिखाना है लिखकर। प्लस का प्लस है, ये 108ab² है और ये है 3ab², तो ये जो 108ab² है इसको ऐसे लिखकर दिखाना है हमने। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसकी मदद लेंगे हम। पहले मैं इसको उतार देता हूँ, उतार दिया, इसको भी उतार देता हूँ, उतार दिया, माइनस का माइनस उतार दिया। अब इसको नहीं उतारना है, इसके बदले हम इसकी मदद लेंगे। कैसे मदद लेंगे, पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, फिर क्या लिखा है, a, तो क्योंकि हमें इसको थोड़ी ना उतारना है, a के बदले कुछ लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो a के बदले क्या लिखना है हमें, 4a, तो इसकी जगह लिख लो 4a, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब मल्टीप्लाई b है, अब इस b को तो नहीं उतारना है, हमें पता है b किसके बराबर है, 3b, तो इस b की जगह लिख दो 3b। प्लस का प्लस, अब ये क्या है हमारे पास, 3ab², तो इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई a की जगह हम क्या लिखेंगे, अभी बताया था a की जगह हमें क्या लिखना है, 4a, तो a की जगह हम लिख लेते हैं 4a, और इस b की जगह क्या लिखेंगे हम, देखो b की जगह क्या लिखना है, 3b, तो इस b की जगह लिखेंगे हम 3b और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ये था, ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक हो गया, ये पूरा क्वेश्चन था हमारा। इसको पहले हमने इस रूप में बदला, फिर फॉर्मूला लगाया, अब ये पूरा का पूरा जो है इस रूप में दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल ऐसा है। तो ये और ये देखो एक जैसे हैं, तो क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इस पूरे को भी ऐसे लिखा जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट a तो नहीं लिखेंगे, a की जगह क्या लिखना है हमने, 4a, माइनस की जगह माइनस,
और b की जगह हमने क्या लिख लेना है, 3b साथ में क्यूब है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसका गुणनखंड निकालना था, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।